पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त एक जगह मौजूद हूँ जिसको बेसिकली जो डंपिंग स्टेशन है कचरे का लाहौर में, जहाँ पर वेस्ट पूरे शहर की जमा होती है। ये डंपिंग स्टेशन महमूद बूटी एक इलाका लाहौर का यहाँ वाक़ है। पूरे प्रोग्राम में जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, यहाँ पर एक पावर प्लांट बनाने का मंसूबा था जिसके ज़रिए बायोमास बिजली बनानी थी। इस मंसूबे के लिए जब शहबाज शरीफ साहब दिल्ली का दौरा किया उन्होंने, और वहाँ से भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करके कहा जी कि इधर एक मंसूबा बनाया जाएगा कचरे से बिजली पैदा करने का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कचरे के पहाड़ तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं कचरे के। और आगे चलकर एक पावर प्लांट भी मौजूद है, लेकिन वो पावर प्लांट फंक्शनल नहीं है। कहा जा रहा है कि पावर प्लांट बंद पड़ा है। आखिर बंद क्यों पड़ा है हम बेनकाब करेंगे। आपको दिखा रहे हैं सूरतयाल, जहाँ ये पहाड़ की सूरतयाल ये कचरा इख्तियार कर चुका है, कचरा जमा हो के यहाँ पर पहाड़ बन चुका है। आखिर वो बिजली का मंसूबा उसका क्या हुआ, और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट के दीगर बिजली पैदा करने के मंसूबे, उन तमाम मंसूबों की कारकर्दगी पेशरफ्त आखिरकार क्या रही, आउटपुट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।